कोई गिदर भभकी दे रहा है तो गिदर भभकी से सावधान रहना चाहिए सबों को। गिदर भभकी सिर्फ दे नहीं, उस पर काम करे। फालतू का गिदर भभकी किन्हीं को देना नहीं चाहिए। लेकिन जदयू विधायक है वो तो कह रहे हैं सर कि अगर दिक्कत है शराबबंदी वाले मामले में तो बीजेपी अलग हो जाए, क्या दिक्कत? यही बात तो उन पर भी लगता है, अगर कोई ऐसा बोलते हैं तो ये बात उन पर भी लागू होता है, उन्हीं को बोलिए पहले निकल लें। देखिए माझी जी क्या मांग कर रहे हैं, उनका अपना मन मिजाज रहता है, वो रहते रहते हैं गड़बड़ा जाते हैं, उम्र का असर उसर उन पर है, पहले से भी बोल रहे हैं। IVTV देखता है इंडिया। लगातार जो बयानबाजी का दौर है वो जारी है, आपके भी प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि शराबबंदी की समीक्षा बैठक तो होनी चाहिए, माझी जी मांग कर रहे हैं कि अब खोल देना चाहिए। देखिए माझी जी क्या मांग कर रहे हैं, उनका अपना मन मिजाज रहता है, वो रहते रहते हैं गड़बड़ा जाते हैं, उम्र का असर उसर उन पर है, पहले से भी बोल रहे हैं। और जहाँ तक अध्यक्ष जी का सवाल है तो अध्यक्ष जी तो हमको लगता है कि जो भी बात करते हैं बिल्कुल सटीक और जेन्युइन बात करते हैं, जायज बात करते हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि NDA में, तो NDA में सब कुछ समान है और NDA में ये फ्रीडम है कि अपना अपना राय अपना अपना विचार लोग रख सकते हैं, अपना अपना एजेंडा लेके चल सकते हैं, अपने अपने हिसाब से अपना राजनीति कर सकते हैं, लेकिन NDA इंटैक्ट है और एजेंडा अपना अपना है। लेकिन जदयू विधायक है वो तो कह रहे हैं सर कि अगर दिक्कत है शराबबंदी वाले मामले में तो बीजेपी अलग हो जाए, क्या दिक्कत? यही बात तो उन पर भी लगता है, अगर कोई ऐसा बोलते हैं तो ये बात उन पर भी लागू होता है, उन्हीं को बोलिए पहले निकल लें। लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि बिहार में हमारे बदौलत सरकार चल रही है, अगर इतना ही दिक्कत है तो हम अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। इसमें देर किस बात की? कोई देर है? औकात की बात भी कर रहे हैं कि हमारे ही औकात से चल रही है बिहार में। अच्छी बात है, जो लोग बोलते हैं वो देर क्यों करते हैं, उनको जब अगर बोलते हैं तो उस पर काम करना चाहिए, उन्हीं से पूछिए ये बात। कोई गिदर भभकी दे रहा है तो गिदर भभकी से सावधान रहना चाहिए सबों को। गिदर भभकी सिर्फ दे नहीं, उस पर काम करे। फालतू का गिदर भभकी किन्हीं को देना नहीं चाहिए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा पाशा जी बंगाली, 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए लेकिन बाबा पाशा जी बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती, पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा पाशा जी बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा पाशा जी बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे, लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा पाशा जी बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा पाशा जी बंगाली। बाबा पाशा जी बंगाली, घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं, बाबा पाशा जी बंगाली।